एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जो कमर्शियली अवेलेबल आपके पास कार्बन के रेजिस्टर्स होते हैं, रेजिस्टेंसेस होते हैं, उनके कलर कोडिंग के बेसिस पे उनकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, राइट? तो वी हैव अ सर्टेन टेबल फॉर दैट। एक टेबल होता है जो आपको पूरा सीक्वेंस, जिसमें कलर्स का सीक्वेंस लिखा होता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कलर लिखे होते हैं, यानी कलर कोडिंग के बेसिस पे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इनकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस आई मस्ट टेल यू, रेजिस्टेंसेस आपको दो टाइप की अवेलेबल होती हैं जनरली मार्केट में, जो कमर्शियली अवेलेबल है हमारे पास। वन इज वायर बाउंड एंड वन इज कार्बन रेजिस्टर्स। वायर बाउंड आपकी जनरली मिली ओम्स या जनरली बहुत छोटी वैल्यूज की रेंज में होती है, जिसमें आप अलॉयज लेते हो, इसमें वायरिंग कर लेते हो, वायरिंग और इसको बाउंड कर देते हो। अदरवाइज वी हैव कार्बन रेजिस्टेंस, जो बड़ी वैल्यूज के लिए हम यूज करते हैं कार्बन रेजिस्टेंस की। देखो मेरे पास एक एग्जांपल के तौर पे एक ये भी सैंपल है मेरे पास रेजिस्टेंस का, आप देख पा रहे हो, आई होप आपको एक क्लियरली दिख रहा है। इसी के जैसा अगर आपके पास एक सामने एक सैंपल आया होता और आपको जज करना होता कि उसकी वैल्यू क्या होगी बाय जस्ट लुकिंग एट द कलर्स जो इसमें दे रखे हैं, तो कार्बन रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग हम देखने वाले हैं। ध्यान देना मेरी बात को। मान लो ऐसा कुछ आपका रेजिस्टेंस है एक्चुअल में, जो ये सैंपल मेरे पास है, ऐसा कुछ मैंने बना लिया रेजिस्टेंस का डायग्राम। उसमें चार बैंड होते हैं आपके, ए बी सी और टी, ठीक है? होता क्या है, जो भी वैल्यू टोटल होगी आपके रेजिस्टेंस की, जो भी टोटल वैल्यू होगी, उस वैल्यू का पहला नंबर, मान लो 25 एक वैल्यू है तो 2 पहला नंबर है ना, तो जो पहला बैंड होता है, जो पहले कलर का बैंड होता है, वो पहला सिग्निफिकेंट फिगर देता है। जैसे मान लो 25 है तो 25, तो पहला 2 है ना, तो पहला 2 दे देगा मुझे, दूसरे वाला सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर दे देगा, थर्ड हमें देगा जो इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होनी है चीज, ये डेसिमल मल्टीप्लायर, इन दोनों के बाद मुझे एक मल्टीप्लाई करना होता है एक नंबर। ये हमारा पैटर्न है, ये रूल है इसको करने का, तो इनमें से मुझे चूज करना है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कलर मुझे दे रखा है। लास्ट वन इज टॉलरेंस। टॉलरेंस आपको दो कलर्स की गिवन होती है, गोल्ड और सिल्वर की, विच इज 5% फॉर गोल्ड, 10% फॉर सिल्वर, और अगर कोई कलर नहीं दे रखा है, बॉडी का ही कलर है डायरेक्टली, तो उसको 20% हो गया, ठीक है? तो ये कलर्स का जो सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, बिकॉज नंबर जो है हमारे 0 से 9 तक जाते हैं, जो नंबर होते हैं, जो हमारी वैल्यूज होंगी, देखो डेसिमल में ही लेते हैं, डेसिमल सिस्टम फॉलो करते हैं, 0 से 9 डेसिमल होता है, इनके अलावा कोई नंबर है ही नहीं। तो अगर 10 भी बनेगा तो 10 ही तो बनेगा 10, तो 0 से 9 तक काउंटिंग है, और मल्टीप्लायर जो हमारा है वो भी 10 की पावर भी 0 से 9 तक जा रही है। अब ये जो पैटर्न है कि 0 में ब्लैक होना चाहिए, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉलेट, ग्रे, व्हाइट, ये जो आपका पैटर्न है ये कैसे है, दिस इज योर सीक्वेंस। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका हमें पता लगा है, क्या बुक्स में जनरली आपके मेंशनड होता है, जनरली यही फॉलो होता है हमारा। इसको याद कैसे रख सकते हैं आप, देखो बी बी अलग कर दिया, तो बी बी रॉय एक पर्सन का नाम बना दिया और कुछ नहीं है, बी बी रॉय, ये टेक्निक होती है, आपको इजीली याद हो जाएगा, थोड़ा फन भी आता है इसमें ऐसे याद करने में, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है कि चलो ऐसे याद कर लें, अभी इंटरेस्ट देखना बहुत आएगा आपको। बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, बहुत लकी था ये ग्रेट ब्रिटेन का बी बी रॉय, उसकी वाइफ काफी ठीक थी उसके लिए, आई गेस, आई होप। तो बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, इससे हम याद कर सकते हैं। बी फॉर ब्लैक, इनिशियली ब्लैक, देन ब्राउन, सेकेंड बी रॉय, रेड, ऑरेंज, येलो, ऑफ हमने बस इसको राइमिंग बनाने के लिए यूज किया है। ग्रेट, जी फॉर ग्रीन के लिए हमने ग्रेट वर्ड बना दिया। ब्रिटेन, बी क्या सिग्निफाई कर रहा है, ब्लू, हैड अ वेरी वी वॉलेट गुड, ग्रे वाइफ का डब्ल्यू इज फॉर वाइट कलर, राइट? तो ये आपका पैटर्न है पूरा। अब आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग गोइंग टू डू। मान लो ये मैंने एग्जांपल यहां पे लिख रखा है, फर्स्ट इज येलो, वॉयलेट, ऑरेंज, गोल्ड। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी तो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान देना मेरी बात पे। येलो, अब येलो कहां है, देखो येलो है फोर्थ नंबर पे, तो जो पहला मेरा बैंड है वो पहला डिजिट मुझे देगा, दैट इज 4 दे दिया इसने। देन वी हैव वॉलेट, वॉलेट के लिए 7 होता है, सेकंड डिजिट हो गया 7। थर्ड हमें करना होता है मल्टीप्लायर, 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 किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, ऑरेंज से मल्टीप्लाई करना है, ऑरेंज इज गिविंग मी 3, 10 टू द पावर 3,
और जो टॉलरेंस है हमारा, जो लास्ट है, जो परसेंटेज में प्लस माइनस साइन के साथ लिखा जाता है, ध्यान रखना प्लस माइनस साइन के साथ लिखा जाता है इसको, जो आप कह लो ऊपर नीचे नहीं हो सकती है, एज इट इज गिवन गोल्ड विल टेक इट प्लस माइनस 5% टॉलरेंस. सो दिस इज योर आंसर. तो बहुत सिंपल है, कोई और एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा देता हूँ. ये मान लो रेजिस्टेंस है, ये पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड, फोर्थ बैंड. इसको सिल्वर ले लेते हैं मान लो गोल्ड की जगह, इसको कुछ भी ले लो आप, आपके ऊपर है. तो ग्रे व्हाइट यूज नहीं हुए, चलो ग्रे ले लेते हैं, इसको ग्रे ले लो, इसको व्हाइट ले लो, रेड ले लो, डजंट मैटर. ग्रे इज गिविंग मी 89 इंटू 10 टू द पावर, रेड के लिए कितना होता है 2 होता है, राइट. तो वी गॉट इट दिस प्लस माइनस. सिल्वर के लिए वी टेक इट 10%, उल्टा हिसाब है. देखो सिल्वर ज्यादा है और गोल्ड कम है, ठीक है ना. देखो यूं याद रख लेना, गोल्ड को कम टॉलरेट कर सकते हैं, इतना महंगा होता है, 5% या 10% 20%. अगर कोई भी कलर ना होता थर्ड में तो हम 20% ले लेते, या उसकी जो बॉडी का कलर है वही होता तो हम 20% ले लेते. तो यूजिंग दिस टेबल वी कैन कैलकुलेट एनी वैल्यू. और आपको ये जो सीक्वेंस याद करने का मैंने बताया, ये आप सिंपली याद कर लो, 0 से 9 ये तो नंबर ही है और ये पावर्स है, तो बहुत इजीली आप निकाल लेंगे. एक और हमारा मेथड है जिसमें हम बॉडी कलर एंड का कलर देखेंगे, वो मैं आपको सेकेंड में बताता हूँ. सो लेट स्टार्ट विद सेकेंड मेथड नाउ. सो दिस इज आवर सेकेंड मेथड. डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इसी टाइप का डायग्राम आपको बना हुआ आएगा. उसमें देखो ये जो ब्लैक मैंने हाईलाइट करें, दीज आर एंड्स ऑफ द रेजिस्टर. डॉट बना होता है बीच में और आप बॉडी देख पा रहे हो उसकी, और एक ये बैंड होता है विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर. जो बॉडी का कलर होगा दैट विल गिव यू फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जो एंड्स का कलर होगा वो सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर देगा, जो डॉट होगी वो आपको डेसिमल मल्टीप्लायर देगा, और फाइनली जो बैंड का कलर होगा दैट विल गिव यू टॉलरेंस. एग्जाम्पल लिया मैंने एक, बॉडी कलर क्या है, ग्रे है. बॉडी कलर विल गिव मी फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ग्रे. ग्रे के लिए क्या है 8 होता है. देखो टेबल मैंने बनवाया था पीछे, अभी आप मैंने शॉर्टकट लिख दिया है. बॉडी कलर हो गया, देन वी हैव एंड का कलर रेड है, रेड के लिए 2 लेंगे हम. मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर होता है थर्ड हमारा, जो जीरोस के बाद आएगा, नंबर ऑफ जीरो जो सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आएंगे. डॉट है हमारी ग्रीन, दैट इज 10 की पावर 5, और प्लस माइनस टॉलरेंस ले लेंगे. सिल्वर के लिए कितनी होती है 10%. So this is how we calculate the value of resistances using the color जो आपकी commercially available resistances हैं. So this was all about this video. बाकी videos current electricity से related मैंने playlist में सारी डाल दी हैं. अब सारी videos देखें, आपका पूरा chapter prepare हो जाएगा. Numerical series भी जल्दी आएगी. Stay tuned and keep supporting. Thank you.